आप सभी का आरसीआई के ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थी, हमारा तीसरा पार्ट चल रहा था, तीसरे पार्ट का अगला टॉपिक देखते हैं। देखो, जो हमने पढ़ाया अब तक उसके कुछ सवाल देख लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी की नई बुक आई है उससे कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको देखते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति और समय, ध्यान से देखो, स्थिति और समय का ग्राफ आपको दे रखा है, चित्र में प्रदर्शित है, चित्र आपको दिया हुआ है, इसका 5वें, 20वें और 27वें सेकंड पर वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। एक आपको ज्ञात करना है संपूर्ण मात्रा के लिए औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल, एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, और जब भी ऐसा कोई ग्राफ आपको दे, अभी हम इससे पहले वाले वीडियो में ग्राफ की चर्चा की थी तो उसी से संबंधित ये सवाल है। तो सबसे पहले हम 5वें सेकंड के लिए इसको ज्ञात करते हैं, इसका वेग और चाल। तो 5वें सेकंड के लिए, 5वें सेकंड के लिए हम इसका मान ज्ञात करेंगे, चाल का और वेग का। तो पहले ये देखो ग्राफ को समझते हैं, ग्राफ को ध्यान से समझना। एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर आपका समय है, यह वाई अक्ष है, इस पर कोई भी स्थिति आपको दे रखी, यानी कि दूरी है किसमें, मीटर में, और समय किसमें है बेटा, सेकंड। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से पहले वस्तु इस हिसाब से जाती है, इस तरह से जा रही है, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ आता है समय और स्थिति का, ये दर्शाता है कि इसके सभी बिंदुओं पर वेग का मान क्या है, समान है। क्लियर? क्योंकि ये एक्स और वाई अक्ष से समान कोण बनाते हुए सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, ये अपन ने पढ़ लिया। फिर कोई भी वस्तु या पिंड यहाँ पहुंच जाता है ए बिंदु पर, ए पर पहुंचता है, तो यहाँ पर इस डॉट डॉट से जो मैंने दिखाया है ये है स्थिति, यानी कि यहाँ पे 10 मीटर ए बिंदु पर पहुंच जाता है, 10 मीटर की दूरी तय कर लेता है, और कितना समय लेता है, नीचे समय दे रखा है, समय लेता है 10 सेकंड, क्योंकि समय किसमें है, सेकंड। फिर उसके बाद इस तरह का ग्राफ मिलता है, इससे ये क्लियर है कि इस तरह का जो ग्राफ है यहाँ से लेकर ए बिंदु से बी बिंदु तक समय तो बढ़ रहा है लेकिन दूरी 10 की 10 ही है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब समय तो हो जाता है 10 सेकंड से 25 सेकंड, जैसे ही बिंदु पर कोई वस्तु पहुंचती है या पिंड पहुंचता है, लेकिन उसकी दूरी 10 ही रहती है। ठीक है, आगे देखें तो बी से अगर व्यक्ति सी पर पहुंचता है तो एक बात तो क्लियर होगी, समय पहुंच जाता है 25 सेकंड से 30 सेकंड पर, समय रुकने वाला नहीं है, समय हमेशा बढ़ता है। दूरी की बात करें तो दूरी पहले 10 थी, ठीक है, और सी पर आ गई, सी क्या है, एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि 10 से 0 पर पहुंच गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 5वें सेकंड की। तो 5वां सेकंड कहाँ होगा बेटा, 5वां सेकंड निश्चित है 0 से और 10 के बीच में होगा, 0 से 10 के बीच में 5वां सेकंड होगा, बोलो नहीं क्या। इसका मतलब ओ से लेकर ए तक का जो ग्राफ है, इसके लिए ओ से ए तक के ग्राफ, ओ से ए तक के ग्राफ में अगर अपन देखें तो ओ से ए तक के ग्राफ में वेग मान लेते हैं 5वें सेकंड का v1, तो v1 बराबर क्या आएगा बेटा, दूरी कितनी आ रही है, दूरी आ रही है यहाँ पे दूरी मान लेते हैं x से a बिंदु पर, तो x a माइनस इस बिंदु पर मान लेते हैं x o, और समय क्या आ रहा है बेटा, समय यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर जो आ रहा है वो मान लेते हैं t a, और यहाँ जो समय है वो मान लेते हैं t o। क्लियर भाई? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर अपन ने दूरी क्या मान लिया x से, यहाँ मान लिया आपने x o, यहाँ पे समय मान लिया आपने a बिंदु के लिए, वो मान लिया आपने t a, और यहाँ पे मान लिया। अच्छा मान रख दो तो x से दूरी कितनी है बेटा, x a, a बिंदु पे दूरी कितनी, इधर देखो डॉट डॉट, तो 10 आ रही है माइनस, इस पे दूरी कितनी है मूल बिंदु पे, 0 रहेगी, और अपॉन समय कितना है, यहाँ पे भी 10, a का मान 10 माइनस मूल बिंदु पे समय 0 था, तो ये v1 आपके पास आ जाता है 10/10, इसका मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? तो 5वें सेकंड पर इसका वेग कितना रहेगा, 1 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है 20वें सेकंड के लिए, तो सेकंड फर्स्ट हमने हल कर लिया है, सेकंड है 20वें सेकंड,
20वां सेकंड कहां पर देखते हैं, 20वें सेकंड पर, तो 20वां सेकंड 10 और 25 के बीच में रहेगा, 10 और 25 के बीच में रहेगा, तो इसलिए जो वेग है उसको मान लेते हैं v2 बराबर, हां जी इन दोनों के बीच, तो यहां पे xb-x की दूरी तो xb-x होगा, इन दोनों के बीच है। अच्छा जी समय क्या आ जाएगा, समय मान लेते हैं इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच है tl माइनस tl, ठीक है। तो यहां पर xb का मान कितना है, xb का मान भी वही 10 है, दूरी का वही 10 है, x भी 10 है, बटे tn कितना 25 माइनस tn कितना 10, तो 0 बटे 25 में से 10 ले बेटा 15, तो आपके पास v2 आ जाता है 0 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 20वें सेकंड पर जो वेग है वो क्या रहेगा, 0, ठीक है। फिर हम आगे याद कर लेते हैं 27वें सेकंड के लिए, थर्ड है हमारे पास 27वें सेकंड, तो पहले तो ये देखो 27वां सेकंड कहां मिलेगा, 27वां सेकंड 25 और 30 के बीच में मिलेगा, 25 और 30 के बीच में मिलेगा, तो इसका वेग मान लेते हैं या चाल मान लेते हैं v2 बराबर, हां जी बताओ यहां पे दूरी xb और यहां पे दूरी xc, तो याद आएगा xc माइनस xb बटे, समय आ जाएगा tc माइनस tn, तो xc कितना है, xc बिंदु पर जो दूरी है वो 0 है माइनस b बिंदु पे दूरी कितनी है 10 और 10 बटे tc, 30 माइनस 25, 30 माइनस क्या आ गया माइनस के 10 बटे 25, 30 में 25 गया 5, इसको v3 मान लेते, तो v3 कितना आ जाएगा बेटा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आ गया माइनस का 2 मीटर प्रति, ठीक है। तो इस तरह से 5वें 20वें और 27वें सेकंड पे अपन मान याद कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम याद कर लेते हैं औसत वेग और औसत चाल पूरे ग्राफ का, तो पूरे ग्राफ का याद करेंगे क्या कर लेते हैं, औसत वेग याद करें, क्या सूत्र औसत वेग का, औसत वेग का सूत्र क्या है, औसत वेग, औसत वेग है कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन, तो देखो यहां से चल रहा है और यहां तक गया है, तो यहां से यहां तक का कुल विस्थापन, तो यहां से यहां तक 10, फिर यहां से यहां तक भी 10, और फिर यहां से यहां तक माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा, तो भैया इस तरह से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कंप्लीट, लिख देते हैं कुल विस्थापन xc माइनस x0 यहां से लेकर यहां तक, और समय आ जाएगा, समय अपन क्या लिख सकते हैं, इसका समय लिख सकते हैं टोटल यहां से लेकर यहां तक 30 सेकंड लगते हैं, 30 सेकंड xc, xc 0 है और ये भी 0 है, तो 0 माइनस 0 बटे 30 क्या जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग आ गया, कुल औसत वेग आ गया, तो औसत चाल निकाल देते हैं, औसत चाल, औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितनी होगी, पहले 10 चला फिर यहां पर 0, फिर यहां माइनस, फिर भी 10 ही होगा, माइनस दूरी में माइनस लगता है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी पहले 10 चला फिर 0 फिर 10 और समय वो 30 सेकंड, ये आ गया 20/30 यानी कि 2/3, 2/3 को क्या लिख सकते हैं 0.66 मीटर प्रति सेकंड। तो इस ऐसे जो सवाल होते हैं और कोई इस तरह से सॉल्व करते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।